झारखंड की राजधानी से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिला में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने एक महिला मुखिया को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। नवादा पंचायत की मुखिया यशोदा देवी और उसके देवर पर नवादा पंचायत के सदस्य ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के पास आवेदन देकर शिकायत की थी कि मनरेगा से डोभा निर्माण के एवज में मुखिया और उसका देवर फाइल आगे बढ़ाने की एवज में 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। डोभा बनाए थे मैंने, तो डोभा के लिए लेबर लोग को जो भुगतान देना पड़ता है ना, तो हम बोल रहे थे कि मास्टर रोल में आप भुगतान दे दीजिए, साइन कर दीजिए। तो ये बोले कि हमको 10,000 पहले दीजिए तो हम भुगतान करेंगे, वरना नहीं होगा। तो मैंने 10,000 दिए। अच्छा, उनके देवर को भी गिरफ्तार किया जाए, देवर का क्या सीन होता है? पहले देवर ही ना हमको मांग करता है, मुखिया तो पीछे मांग करती है। नूरजहां बेगम नवादा के वार्ड सदस्य हैं, नवादा जो विष्णुगढ़ थाना है, जिला हजारीबाग, उनके वार्ड सदस्य हैं। इनके द्वारा दो डोभा का निर्माण कराया गया था, जिसका कुल खर्च लगभग 2,10,000 रुपये था, जिसमें कुछ राशि इनको दी गई थी, लगभग 90,000 रुपये की राशि इनका शेष था, जो कि मुखिया यशोदा देवी के हस्ताक्षर के बाद मिलना था। उनके इस कार्य के लिए उनके देवर और वो खुद 5,000 प्रति डोभा था, 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस आशय का प्रतिवेदन दिया गया था, एसीबी हजारीबाग के द्वारा इसे सत्यापन किया गया और ये रिश्वत की मांग सही पाई गई। उसके आधार पर डीवाईएसपी विजय शंकर के नेतृत्व में छापामारी दल भेजा गया और मुखिया यशोदा देवी एवं उनके देवर निर्मल कुमार को 10,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एसीबी के डीएसपी विजय शंकर के नेतृत्व में हजारीबाग से एक टीम नवादा पंचायत पहुंची और मुखिया एवं उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम मुखिया यशोदा देवी और उसके देवर निर्मल से पूछताछ करने के लिए हजारीबाग ले गयी है। न्यूज डेस्क।